भाई समी सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा बाईपास पर, जहां पर घरौंदा नामक टीएमसी प्लान बन रहा है और वहीं से सट के जो गरीबों की बस्ती है वहां पे मैं खड़ा हूँ। और हमारे साथ शरद चंद्र पवार पार्टी के जो है युवा नेता अरशद मलिक मौजूद है, जो संघर्ष टीम के भी जो है मेंबर है। ये गरीब बस्ती वाले हैं, इनको हमेशा बारिश में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि इनकी बस्ती के अंदर कमर तक पानी भर जाता था। इसकी वजह ये थी कि जो घरौंदा बिल्डिंग बन रही है उसके पास से वो नाला गया हुआ है, जो तूफान में आने की वजह से जो है यहाँ बिल्डिंग जो यहाँ के रहवासी उनको तकलीफ हो रही थी। उसको देखते हुए, उनकी तकलीफ को देखते हुए अरशद मलिक ने जो है अहम कदम उठाया और उसका जो है समाधान निकाला, जिसकी वजह से आज यहाँ के जो लोग हैं वो भरते हुए पानी से बहुत दूर हैं। फिलहाल इन सारे मुद्दों पे यहाँ के रहवासियों का क्या कहना है, खास करके अरशद मलिक का क्या कहना है, वो हम आपको दिखाएंगे। अरशद, आज आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है बाईपास के पास में, जहाँ पर घरौंदा नामक बिल्डिंग है। क्या वजह है कि आपने आज यहाँ बुलाया और यहाँ के जो रहवासी वो भी आपके साथ मौजूद है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए बुलाया हूँ कि इन लोगों को ना 2 साल से पानी की बहुत तकलीफ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाईपास टच यहाँ पे इन लोगों के घर है, और ये अलमास कॉलोनी के वार्ड में भी आता है और रशीद कंपाउंड के भी इसमें आता है और चरनीपाड़ा के भी इसमें आता है। लेकिन क्या पता इन लोगों को क्यों बाइकआउट किया गया है, कि इन लोग जब भी अपनी सिफारिश किसी के पास लेके जाते हैं तो इनको पहला पूछा जाता है, आप वोटर हो क्या, आप वोटर हो क्या, आप उनको सवाल किया जाता है कि आप हमारे वार्ड में आते हो क्या। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक हमारे पार्टी के बहुत पुराने सोशल वर्कर है, उनका नाम है विद्या पाटिल, वो काफी काम करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ना 2 साल पहले बहुत पानी भर गया था, कुछ 3 साढ़े 3 करीब रात के, और इतना पानी भर गया था कि इन लोगों के कमर तक का पानी आ रहा था और घर के बर्तन वगैरह सब मतलब बाहर आ गए थे घर के, इतना पानी भर गया था। तो फिर मैंने इमरजेंसी टीम को बुलाया, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर वो टाइम पे हम लोगों ने काम करके वो पानी को निकाल दिया फायर ब्रिगेड वगैरह में। जो पहाड़ का जो गटर का नाला है जिसमें से अपना झरने का पानी जाता है वो होके जाता है घरोंडा से, तो जब से घरोंडा का काम चालू हुआ ना तो पानी अंदर से जाना बंद हो गया और वो पानी यहाँ पे रिवर्स मार के इन लोगों को भरना शुरू हो गया। मतलब घरोंडा के अंदर वो नाला बंद हो गया था जब इन लोगों ने काम शुरू किया। फिर हम लोगों ने घरोंडा के लोगों से बात किया, जो उनके मेंबर्स वगैरह है उनसे बात किया, उन्होंने बोला काम करेंगे, लेकिन ये तकलीफ 2 साल ऐसी ही थी। फिर अभी लास्ट ईयर 27 जुलाई को, नहीं 27 जुलाई को, हाँ 27 जुलाई को फिर से यहाँ पे बहुत पानी भरा था। फिर हमने यहाँ के जो रहीवासी है इनके साथ मिलके इमरजेंसी टीम बुला के टीएमसी से हमने अंदर से पत्थर वगैरह निकाला था, बन जाते था अंदर से पूरे पत्थर वगैरह निकाल के फिर इनका पानी यहाँ से उतर गया था। उसके बाद हमने बैठ के मीटिंग किया घरौंदा के जो मेंबर थे, उसके बाद घरौंदा वालों ने हमारे को कॉपरेट भी किया और उन्होंने काम कर दिया, तो ये साल इनको बिल्कुल पानी नहीं। तो मेरा लोगों से नहीं, मेरा जो सियासतदार लोग है उनसे सवाल है ये चीज का, कि आप वोटर देखकर वोट देखकर काम मत करिए। वोटर देखकर, मैं 4 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, मेरे को पूरा 4 साल कंप्लीट हो गया सोशल वर्क में, लेकिन मैं जहां जहां काम किया हूँ मैंने कभी वोटर देख के काम नहीं किया। और मैं जब यहाँ पे मेरे को बुलाया गया था काम के लिए तो मैंने यहाँ के इन लोगों को ही हेल्प किया, मैंने यहाँ के इन लोगों से ये सवाल नहीं किया कि आप लोग कितने वोटर हो, कि आप लोग के पास कितनी वोटिंग है। अभी फिलहाल जो घरौंदा की टीएमसी प्लान जो बन रहा है, जो आपने अभी बताया कि वहां से नाला गटर गया हुआ है, हाँ, तो उनका अभी इस वक्त किस तरह का कॉपरेट रहा है? उन लोगों का इस तरह के से कॉपरेट रहा है, हमने जब जब बात की उन्होंने ना नहीं बोला, हाँ ही बोला था। और जब लास्ट मीटिंग हमारा हुआ था पिछले साल, उसके बाद उन्होंने बारिश कम होने के बाद उन्होंने काम कर दिया और उन्होंने क्योंकि ना... अरशद भाई अंडर प्रोसेसिंग में है ये हाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग बन जाने के बाद वो गटर को बंद करना पड़ेगा उनको, उसके बाद अगर पानी भरता तो आप कहां से निकासी करेंगे? नहीं, लेकिन ये इस चीज पे बात हुआ है, हम लोगों ने ये मुद्दा भी रखा था, लेकिन उन लोगों ने इन लोगों की तकलीफ देखने के बाद उन लोगों ने उसको सेपरेट लाइन दिया, वो कभी बंद नहीं होगा, वो सेपरेट जो अच्छा, लाइन है वो अंदर से ही जाएगा, उसको ढक दिया जाएगा, उसमें से पानी चले जाएगा। ओके भाई, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको यहां पर इस बारिश में, और किनके
सहयोग से आप लोगों को जो है मतलब बारिश के पानी जो भरता था उससे निजात मिली। बरसात में बारिश तो बहुत होती थी, नीचे वजह से पूरा भर जाता था पूरा। अक्षत भाई, आवर साहब, रिसा मैडम ने के वजह से ये सब काम हो गया है, तो उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काम जल्दी करवाया और हम पानी के मुसीबत से हम लोग को निकाला। अभी यहाँ पर बड़े बड़े दावे करने वाले जो नेता उभर रहे हैं, जो पार्टी से अलग हो गए हैं और अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अवार्ड साहब को जो है झुठला रहे हैं, ऐसे नेताओं को किस तरह का जवाब देंगे आप? इतना राजनीति अपने से तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं मेरे काम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम तो अच्छे से हो गया। आप किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको बारिश में? बहुत तकलीफ है हमको पानी में, हमारे घर में पानी मिलने तो बरसा है हमको। अब चाहिए नाला बना के दिए तो है, अभी तो बरसा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा बारिश गिरता तो बरसा है हमारे घर। अरशद भाई की तरफ से क्या सहयोग मिला आपको? मिला की तरफ से वो है, बल्कि थोड़ा बंद हो गया पानी, तो वो चीज जब से बहुत तकलीफ है, आए जब से हमको थोड़ा अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे, आप अरशद भाई की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला है? सब सही मिला है, देखो बहुत पानी भरता हमारे घर में, पानी कितना टेंशन है कि कुछ नहीं की बात नहीं है, हर चीज का इतना पानी भरेगा कुछ नहीं की बात नहीं, बहुत पानी। किसने करा के दिया आपको ये सारी? नहीं किस भाई ने? अरशद भाई ने?